जिंदगी घर जीने का नाम है तो हाँ अभी जिंदा हूं मैं, सर्थ है इसकी ऊंचाइयों की, तोड़ता परिंदा हूं मैं। थरे थरे लुह को भी लॉलीपॉप परी चाटू थाए, कहा कुनी कुनी उठ, जीवन हुए तो बेरंग हो थाए धीरे धीरे, तथापि तो जीवन किंतु पिंधि थाए धारे लुह धुआ हसर पोशाक, यही जमी एमानकर पिंधि बोध हुए रखे हरित मारे किए धाड़ीटी अनेकांशे ठीक आपण को हेत शुणी विश्वास हो किंतु विश्वर सबुठ घंच और विपज्जनक जंगल रे 40 दिन धरी बंची चारिटी पिला ताहा पुणी विमान क्रास हे बापरे एहा पूर्वरु सही चारिटी पिला निज परिवार सह जाउथबा प्लेन टी क्रास होई अमेजन जंगल रे खसी पड़ा जेउथरे एही पिलांको मां सहित पायलट कर भी मृत्यु होइथिला। देखुनाहांती सेमानंकर उद्धार बेलर दृश्य को चारिटी पिलांक मध्यरे सबुठ छोट पिलार बयस मात्र 11 मास केमिति रात्रि एही पिलांकु एयर लिफ्टिंग करा जाउछि देखंतु एहा परे पिलामानंकु रेस्क्यू विमान रे ही ट्रीटमेंट करा जाइछि। दुर्घटनार 40 दिन परे जणा पडिथिला जे पिला माने जीवित अछन्ते। कोलंबियार एही घटना एबे सारा विश्व को आश्चर्यचकित करि देइछि। मे 1 रे 7 यात्री को नहीं एक छोट विमान कोलंबिया एयरस्पेस रे दुर्घटनाग्रस्त हो अमेजन जंगल रे खसी पड़ा। दुर्घटना रे पायलट को सह 3 जन जीवन जाइला जो मानकर मृतदेह उधार करा जाइला। 4 पिला निखोज थिबारु आरंभ होइथिला सर्च ऑपरेशन। जंगल रु कोइंची खीर बोतल टेम्परारी सेल्टर पर पिला मानकर विभिन्न सामग्री मिलिथिला। जंगल विभिन्न स्थान रे सेमानंकर पाद चिन्ह देखिबा को मिलिथिला। सर्चिंग बेले मिलिटरी हेलिकॉप्टर रु पिलांको जेजेमांको आवाज रे एक रेकॉर्डेड मेसेज सुना जाइथिला। फल रे पिला से शब्द सुनी गोटिए जगार एकत्रित होई पारिबे किंबा मेसेज दे पारिबे। 40 दिन धरि एही पिला माने केउं भली अवस्था रे थिले चित्र ही तार बयान करुछि। उद्धार करा जाइथिबा 4 पिलांको मधरु सबुठ बड़ पिलार बयस 13 वर्ष, जणे 9 वर्ष, जणे 4 वर्ष एवं आउ जणंकर बयस मात्र 11 मास। एबे पिला माने मिलिबा परे कोलंबिया राष्ट्रपति खुशी रे ट्वीट करिछन्ते। एबे सारा कोलंबिया खुशी मनाउछि, सबु पिला जीवंत मिलिछन्ते। रिपोर्ट अनुसारे विमान पायलट दुर्घटना पूर्वरु मे डेर चेतावनी देथिले। इंजिन रे त्रुटि जोगु ए दुर्घटना घटिथिला। परे उद्धार कार्य रे 100 रु अधिक सैनिकक सह हेलिकॉप्टर सह स्निपर डॉग भी सर्च ऑपरेशन रे लागिथिले। तबे एत्ते दिन धरि सेमाने केमिति जीवित रहिले ताहा स्पष्ट होइनि, तथापि जीवन जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।